वैसे तो राजस्थान के कलाकारों ने विदेशों में भी अपनी अमिट छाप हमेशा छोड़ी है। इसी कड़ी में अब यूरोप की जमी पर राजस्थान के 50 कलाकार अपनी ढोल की थाप से प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान की संस्कृति का परचम लहराने वाले धोध ग्रुप के संस्थापक रईस भारती के साथ यह कलाकार यूरोप में करीब 4 महीने में आयोजित होने वाले विभिन्न फेस्टिवल्स में प्रस्तुतियां देंगे। आपको बता दें कि रईस भारती करीब 100 देशों में परफॉर्म कर चुके हैं। रईस भारती ने बताया कि यह पहला मौका है जब कलाकार इतनी संख्या में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। विशेष प्रोजेक्ट के तहत यूरोप टूर पर 50 कलाकारों का दल अपने ढोल बजाने की परंपरा को साकार करेगा। इसके तहत सभी कलाकार अलग अलग अंदाज में ढोल बजाकर राजस्थान के विविध रंगों को बिखेरेंगे। खासकर इस साल हमारा एक ऐतिहासिक टूर करने वाले हैं और 4 महीने के लिए धोध ग्रुप एक नया प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है, ड्रमर्स ऑफ राजस्थान, जो कि ढोल बजाने वाले कलाकार जो शादी ब्याह में बजाते थे। करीब 50 कलाकार यूरोपियन टूर पे जाने वाले हैं और इस साल खासकर ये ऐतिहासिक टूर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो शो होने वाले हैं फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, स्वीडन में, नॉर्वे में, और हमारे ईच शो में हमारे करीब 50,000 लोग एवरीडे शो में आने वाले हैं। तो ये राजस्थान हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम इसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं विदेश के अंदर, और करीब लाखों करोड़ों लोग राजस्थान को डिस्कवर करेंगे इस साल। इसलिए खासकर हमारा फोकस धोध ग्रुप का इस साल ये रहेगा, क्योंकि जो राणा समाज है राजस्थान में, जो ढोल हम शादी ब्याह में बजाया करते थे, उसको जो मेरी आइडिया ये है, क्योंकि विजन ये है कि जो राजस्थानी कलाकार न्यू जनरेशन है, 20 से 25 साल की जो नवयुवक है, उन जो ढोल बजाते हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया।